जय भारत। कल तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोशिका क्या होती है और कोशिका का खोज किसने करा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, लिविंग सेल को किसने देखा था, तो ये सब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, तो आज जो है हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है कोशिका सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये हमने पहले से ही पढ़ा रखा है, 1838-39 की बात है। कब की बात है? 1839 की बात है। ये दो वैज्ञानिक थे, आपने सुना होगा नाम, स्लाइडेन एंड स्वान। क्या नाम था उनका? स्लाइडेन एंड स्वान। देखो, स्लाइडेन एंड स्वान, इनको बोलते हैं स्लाइडेन और स्वान। स्वान इनके द्वारा सर्वप्रथम क्या दी गई थी? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी को दिया गया था। समझ में आया? 1838-39 में कोशिका सिद्धांत के कौन थे भैया? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या बोला? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, यहां मैं लिख देती हूँ, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अर्थात जितने भी जीव होते हैं, समस्त जीव जो है उनका निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से होता है। फिर से हम लिख लेते हैं कि समस्त यहाँ पे इसको ही रफ करके लिख दो, शायद नहीं दिख रहा होगा, ऑल द, यहाँ पे सभी जीवों का निर्माण कोशिका के उत्पाद से होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओके, कोशिका सिद्धांत दिया किसने? स्लाइडेन एंड स्वान ने। दिया कब? 1838-39 में दिया गया था। ये है, इन्होंने ही बताया कि जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ना, वो कोशिका होती है या सेल होती है। स्लाइडेन और स्वान को ये श्रेय दिया गया सेल कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी बताने का। लेकिन इनके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बताया, क्योंकि इससे पहले जो थी धारणा है वो कुछ ऐसी थी कि इंसानों के थूकने से दूसरे इंसान का जन्म हो गया। मतलब ये कितनी फालतू बात हुई ना कि मैंने थूक दिया और इधर ही एक इंसान बन गया। मतलब ये जो थ्योरी थी ये सब फालतू बकवास थी। आगे जाके जो सबसे रियल, सबसे बढ़िया थ्योरी जो दी थी, इन दोनों ने ही दी थी, जो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के रूप में सामने आता है, ये कहानी हो जाती है। देन फिर 1855 में एक वैज्ञानिक आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है इनका? रुडोल्फ विर्चो। आप एक काम किया करो, आप नोट किया करो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि नोट करने से क्या होता है कि चीजें हमें याद होना चालू हो जाती है। चलो, और एग्जाम के टाइम पे भगना भी नहीं पड़ता, ये वाली पीडीएफ, वो वाली पीडीएफ। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। मैंने आपको बताया 1855 की बात है। कब की बात है? 1855। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चाउ नाम के एक वैज्ञानिक है, 1855 में ये आते हैं। ये लैटिन भाषा में एक शब्द देते हैं। देखो कब? लैटिन में एक शब्द देते हैं, ओमिनी सेल्यूला ए सेल्यूला। क्या मैडम, पागल हो गए हो क्या? नहीं, ओमिनी सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमिनी सेल्यूला ए सेल्यूला। ओके, इन्होंने क्या करा, एक ये शब्द दिया। देखो फिर से आप एक बार और देख लो, ओमिनी सेल्यूला ए सेल्यूला। ओके, देखो इसमें ओमिनी जो है ना, इसका शब्द होता है प्री एग्जिस्टिंग। क्या होता है? प्री
एक्सिस्टिंग। आगे बात समझ में, पूर्वरत, क्या बोला मैंने, पूर्वरत या पहले की, इसे बोलेंगे प्री एक्सिस्टिंग, प्री एक्सिस्टिंग या पूर्वरत, क्या बोले इसे हम, पूर्वरत। अब देखो, पूर्वरत सेल्यूला जो था इसका मतलब था कोशिका या सेल, इसका अर्थ तो कोशिका या सेल ही है। से, ए जो लिखा है इसका मतलब है टू या से, क्या बोला मैंने, से। और फिर से सेल्यूला मतलब कि सेल या कोशिका की बात ये करता है। बात ध्यान से समझना कि इन्होंने बोला जो कोशिका है ना, किसी भी कोशिका का निर्माण उसकी पूर्वरत कोशिकाओं से ही होता है। कोशिका का जो निर्माण होता है वह उसकी पूर्वरत कोशिका मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। बात समझ में आई के नहीं। ओमिनी सेल्यूला, ए सेल्यूला टर्म, ये किसने दिया था, ये तो लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द के बाद दिया किसने, रुडोल्फ विर्शो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्शो के द्वारा दिया गया। यहां तक हमने लिया। आगे देखो, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि बोलना क्या चाहते हो, ठीक है, ये बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, इसको और अच्छे से हम समझते हैं। ओमिनी सेल्यूला, ए सेल्यूला, देखो क्या होता है, कोई सी एक कोशिका होती है, कौन सा कलर ले लें, ठीक है ये ले लेते हैं, हाँ कोई सी एक सेल है, मान लो ये व्हाइट कलर में देखते हैं, मजा नहीं आएगा, ये देखो ये एक सेल है, ये सेल जो होती है ये टूटती है, ये क्या बोला मैंने, ये सेल का क्या होगा, डिविजन। अभी ये सेल टूटेगी, ये जो सेल है इसे बोलेंगे पैरेंट सेल, क्या बोलेंगे, पैरेंट सेल, पैरेंट सेल। इसे बोलेंगे पितृ कोशिकाएं, क्या बोलेंगे, पितृ कोशिका इसे ही कहा जाता है। मतलब अब इस सेल में क्या होगा, इस सेल का विभाजन, इस एक कोशिका थी, इस कोशिका में से ही क्या होगा, टूटेगी, ये क्या होगी, टूटेगी, टूटेगी तो यहां से फॉर्मेशन होगा न्यू सेल का, क्या बनेगी, यहां पर न्यू सेल बनेगी, ये बना दी हमने न्यू सेल, है ना, यहां पर से न्यू सेल दो बन जाएगी, ये टूटी दो भागों में, वहां पर दो नई कोशिकाएं बन गई, इन्हें ही डॉटर सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें ही डॉटर सेल्स इन्हें ही कहा जाता है, इन्हें ही डॉटर सेल या इन्हें पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुत्री कोशिका कहा जाता है, पुत्री कोशिका कहा जाता है। बात समझना, मैंने बोला एक कोशिका थी उसे हम पेरेंट सेल बोलेंगे, मतलब इससे ही जो है उत्पत्ति होगी नई कोशिकाओं की, जिसे हम बोलेंगे डॉटर सेल्स, क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स। और इसकी जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन इसे ही कहा जाता है। बात समझ में आई, इसे ही कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहा जाता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो पुरानी सेल्स होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, पितृ कोशिका होती है, उनमें कोशिका विभाजन के माध्यम से नई सेलों की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है।